हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। टाइम हो रहा सुबह के 10:36, तो मैं आया हूँ फार्म पे। और आज क्या है, मतलब फार्म पे बारिश हो रही है। ये देखो, मैं भी पूरा गीला हो गया हूँ, मैं छींटे चल रहे हैं, ज़्यादा बड़ी बारिश तो नहीं है। तो आज का ब्लॉग अपना रहेगा, मतलब सोजत सिरोही गुलाब नेशनल का बकरा जो अपने फार्म पर है, तो आज आपको उसका रिव्यू बताते हैं। गाइस, जैसे आपको दिख रहा है, ये है नस्ल का, जिसे गुलाबी नस्ल बोलते हैं। जैसे आप देख रहे हो, देखो इसकी आँखें, इसका मुंह है, मतलब लाल है। और प्लस पॉइंट सबसे बड़ा क्या है, ये बकरा साइज में बहुत बड़ा होता है। और अभी बकरा ये फ़िलहाल क्या के अभी 4 दांत का बकरा हो चुका है। और अपने इसको क्या ईद के लिए रखा हुआ है। और मतलब इसकी ये नस्ल रहती है, कान देखो, कान इसके लंबे कान होते हैं और टांगे इसकी लंबी होती है। और बिल्कुल वाइट बकरा होते हैं, और ये मतलब बहुत समझदार बकरे होते हैं, आवाज़ लगाते हैं तो दौड़े चले आते हैं। लेकिन अपने ये बकरा है जो क्या है कि अभी अपने ब्रीडर रखा हुआ है बकरियों के लिए। तो देख लो आप, बकरा कितना सुंदर बकरा है। और मतलब ये भी अंडू बकरा है, खसी बकरा नहीं है, अपने बकरियों ने रखा हुआ है। देखो बकरे की खूबसूरती देखो, मतलब बहुत ही अच्छा सुंदर बकरा है और अपने फार्म के लिए रखा हुआ है। तो और भी किसी भाई बंधु को अगर बकरों की और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मेरे नंबर पर संपर्क कर सकता है। और किसी को लेना है तो उसको अपन संपर्क करा देंगे और उसको भी अपन दिला देंगे बकरे। और बाकी देख लो, बाकी ये पूरा फार्म का व्यू है। और अपने पास में थोड़े ये देख लो, थोड़े देसी मुर्गे भी हैं और वाइट खरगोश भी है। खरगोश ये मतलब पालतू खरगोश है, जंगल वाले नहीं है। और ये मुर्गे जितने भी अपने सोन प्रताप मुर्गी है, इसका अंडा क्या बड़ा अंडा होता है और ये कभी बच्चे नहीं निकालते, ऑनली पर अंडे इनके एनी टाइम अंडे चालू रहते हैं। तो आज का रिव्यू अपना मेन था इस बकरे के बारे में। बकरा आपको बता दिया है, बहुत ही सुंदर बकरा है। और कोई भाई लेने का इसको या इसको नस्ल को पालने के इच्छुक हो तो अपने संपर्क कर सकता है, उसको अपना बकरा ऐसे दिला सकते हैं। तो आज का ब्लॉग छोटा ही बनाएंगे, मिलते हैं। तो गाइस, आपको बता दिया था बकरा है ये, देखो अंडू बकरा है, तो बहुत शैतान है, बहुत मारता है, देखो अभी भी मारने की कोशिश कर रहा है। तो चलो आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे एक नए वीडियो के साथ। और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वंदे मातरम, जय श्री राम।